वीके न्यूज राष्ट्र के नाम। वैसे तो रेप एक ऐसा शब्द है जिसे सुनने के बाद हर इंसान का सर शर्म से नीचे झुक जाता है। वैसे तो रेप की आपने बहुत सी घटनाएं सुनी होंगी जहां पर ये हैवान मासूम लड़कियों को नोचने के लिए किसी भी हद तक चले जाते हैं, लेकिन क्या कभी आपने सोच सकते हैं कि मरी हुई लड़की की कब्र खोदकर उसके साथ 40 से 45 लोग रेप करें। ये सुनने में बड़ा अजीब लग रहा है, लेकिन अब कुछ ऐसा ही हुआ है जिसने सभी को चौंका दिया। वैसे तो कंगाल पाकिस्तान में खाने और पहनने के पैसे नहीं हैं, वहाँ की जनता भूखी मर रही है। आए दिन वहाँ से कट्टरवाद की खबर सामने आती है जहाँ सरेआम कत्लेआम किया जाता है, लेकिन इस भिखारी देश से अब एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने सभी को हैरान कर दिया। दरअसल पाकिस्तान से दरिंदगी की एक ऐसी खबर सामने आई जिसे सुनकर लोग मजबूर हो गए कि इंसान इतना बर्बर कैसे हो सकता है। दरअसल पाकिस्तान के गुजरात में कुछ लोगों ने कब्र खोदकर किशोरी की लाश को निकाला और उसके साथ रेप किया। घटना 5 मई की है। रिपोर्ट के मुताबिक चौंकाने वाली घटना तब सामने आई जब मृतक लड़की के परिजन अपनी धार्मिक परंपराओं के मुताबिक अगली सुबह कब्रिस्तान गए। परिजनों ने देखा कि कब्र को खोदा गया है, शव खुला पड़ा था, बॉडी पर रेप के निशान थे। मृतक किशोरी के चाचा ने पुलिस से संपर्क किया और यहां पर शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी। यह भी साफ तौर पर नहीं हो पाया है कि इस चौंकाने वाली घटना में कितने लोग शामिल थे, लेकिन अंदाजा यही लगाया जा रहा है कि 20 से 30 लोग इस घटना को अंजाम दिए हैं। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मानसिक और शारीरिक रूप से विकलांग किशोरी की मौत 4 मई को हुई थी। शाम करीब 6 बजे परिजनों ने उसे धार्मिक परंपरा के मुताबिक कब्रिस्तान में दफना दिया और घर लौट गए। अगले दिन जब वो लड़की के शव पर कुछ यहाँ पर प्रक्रिया, जैसे जिस तरीके से जो धार्मिक या फिर मजहबी प्रक्रिया होती है उसे करने के लिए कब्रिस्तान लौटे, तो देखा कि कब्र खोदी गई है, लड़की का शव गायब था। बाद में तलाशी लेने पर उन्हें लाश कब्रिस्तान से करीब 200 फीट की दूर पर पड़ी मिली। इसमें रेप के लक्षण साफ दिखाए गए। इसे देखकर परिजन वहीं अपना माथा पकड़कर जमीन पर बैठ गए। वहीं संबंध में पाकिस्तान मुस्लिम लीग के उप महासचिव अताउल्ला तरार ने 6 मई को ट्विटर पर जानकारी दी थी कि 17 से 18 लोगों ने यहां पर पूछताछ की गई है और मामले की जाँच यहाँ पर वैज्ञानिक तरीके से की जा रही है। सीएम ने रिपोर्ट मांगी है। जब तक दोषियों को सलाखों के पीछे नहीं डाला जाता तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। मतलब एक साफ है कि जिस तरीके से जाहिल मानसिकता के लोग हैं यहाँ पर जब कब्र में लड़की का रेप कर रहे हैं, तो आप इससे सोच सकते हैं कि जो लड़कियाँ खुले सड़कों पर या रात में जाती हैं वो कितनी अनसेफ है। ब्यूरो रिपोर्ट, वीके न्यूज़।